चिया बगानमा लगेर एकजना नाबालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरिएको घटनाले डुवर्स क्षेत्रमा खैलाबैला मचिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेंगलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25। जलपाइगुडी जिल्लाको एउटा चिया बगानमा उक्त अमानवीय घटना घटेको खबर प्राप्त भएको छ। पीडिताको प्रेमी लगायत 7 जनामाथि उक्त घटनाको आरोप रहेको छ। प्रेमी र उनका 6 साथीहरूले पीडितालाई बगानमा लगी सामूहिक दुष्कर्म गरी त्यसको भिडियो पनि सार्वजनिक गरिदिएपछि घटना बाहिरिएको हो। घटना प्रकाशमा आएपछि परिवार पक्षले मटेली थानामा प्राथमिकी दर्ता गरिएको आधारमा क्षेत्रमा खोजी कार्य चलाएर सबै आरोपीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुखद्वारा जानकारी गराइएको छ। यो घटनाको समाजसेवी तथा मानवाधिकार संस्थाहरूद्वारा घोर निन्दा गरिएको छ। গতকাল একটি মেটেলি থানাতে এফআইআর হয়েছিল। সেই এফআইআর ভিত্তিতে পুলিশ আজকে মালবাহিয়া কোর্টে 3 প্রোডিউস করেছে, আর পুলিশ তাদের মধ্যে 2 রিমান্ডে চেয়েছে। লাগের কোর্ট আজকে তাদের 5 রিমান্ড অ্যালাউ করলেন 2। যে 2 রিমান্ডে আবেদন করা হয়েছিল সেই 2 কি মূল অভিযুক্ত? সেটা এখন বলা যাবে না, তদন্ত সাপেক্ষে সেটা পুলিশ তদন্ত শুরু হলো, তদন্ত করছে, নিয়ে যাচ্ছে, তদন্ত সাপেক্ষে যা আসবে। को पता चला कि जो लास्ट बुधवार को है, एक 14 की लड़की है जो माइनर है, और उसके साथ 7 लड़कों ने सामूहिक जो है बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया है। हम ये नहीं बोल सकते कि 7 लड़के इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन 7 लड़कों के ऊपर में FIR दर्ज हुआ है और उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनमें से 5 लड़के माइनर है और 2 लड़के एडल्ट है, और 3 लड़के मेटली ब्लॉक से और 4 लड़के मेटली ब्लॉक के बाहर से हैं। तो ये जो घटना घट रहा है, तो इसका ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी जैसे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, तो मोबाइल का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके गलत चीज़ें सीखकर गलत चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, और इससे आपका भविष्य ही खराब हो रहा है और आपके पैरों पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। माँ बाप बहुत कष्ट करके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन इस चीज़ का गलत लत लगा के, गलत चीज़ों को आप प्रोत्साहन देके अपने ज़िंदगी में उसको लागू करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और माँ बाप को रोना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बच्चों से कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दें और गलत चीज़ को अंजाम ना दें। इस केस में हमने देखा है कि उसको ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ इस तरह का काम को अंजाम, गलत घटना को अंजाम दे के और उसका वीडियो बना के वायरल किया गया है। तो इस चीज़ को ना किया जाए, मेटली ब्लॉक में एक के बाद एक ये जो देखा जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हर जो अरेस्ट हो रहा है उसके बाद उसका भविष्य खराब हो रहा है, तो इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है लोगों तो को। क्या लगता है आपको, प्रशासन की तरफ से क्या स्कूल में इसका अवेयरनेस के ऊपर जोर देना चाहिए इस विषय को लेकर? बिल्कुल, अवेयरनेस कैंप और ज़्यादा होना चाहिए, हर बच्चों को इसके विषय में जानने की ज़रूरत है, जो स्कूल जाते हैं वो भी और जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको भी इस विषय में बताना बहुत ज़रूरी है कि कानून का जो नियम है, 18 से नीचे कोई भी लड़की किसी भी रिलेशन में नहीं जा सकती है, कोई शादी नहीं कर सकती है, लेकिन चाइल्ड मैरिज जैसी घटना भी बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। 21 साल से नीचे कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता है, और अभी जो आज घटना हुआ है इसकी तो हम मतलब क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है, हम किस तरह से इस चीज़ को मतलब विकार बोले यार, इसका मैं इसको इतना कह ही दूँगा।